चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसका मास 40 ग्राम रेस्ट पे है अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। यानी एक लैडर हम बनाते हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये वॉल हो गई, ये स्मूथ वॉल है, ठीक है, स्मूथ वॉल यानी म्यू की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है, और द लोअर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर। फ्लोर जो है ये फ्लोर है, ये रफ है, रफ का मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, ठीक है। एक लैडर है जो बना रहा है एंगल 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस लैडर का मास है 40 किलोग्राम। तो इसका अगर लेंथ अगर लैडर की एल कंसिडर करें तो अर्थ इसको सेंटर ऑफ मास से खींचेगी अपनी तरफ, तो सेंटर ऑफ मास से ये एम जी हो गया, एम इंटू जी, एम की वैल्यू 40 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 रख दो तो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। चलो ठीक है, एम जी की वैल्यू अब ये कह रहा है, अच्छा म्यू की वैल्यू भी लिख दें 1/√3, करेक्ट है, 30 डिग्री का एंगल है, करेक्ट है। एक इलेक्ट्रीशियन है, अज्यूम करो ये एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। अटेम्प्ट टू क्लाइम द लैडर टू रिपेयर हाउस वायरिंग। ये चढ़ता है, मान लो यहां तक चढ़ जाता है, ये लेंथ हो गई स्मॉल एल, यहां तक चढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं होती उसको, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट कैन बी इनकाउंटर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन बिफोर द लैडर बिगिन टू स्लिप। यानी एल लेंथ तक जब चढ़ गया तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहां से आगे बढ़ेगा ये स्लिप कर जाएगा, ये पूरा लैडर स्लिप कर जाएगा। तो मान लेते हैं इस लैडर को ए और बी, ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं, जहां ये पहुंचा है ये इलेक्ट्रीशियन उस पॉइंट को डी मान लेते हैं सेंटर से। तो सेंटर से इसका मास, मास को खींचेगा अर्थ, ठीक है, देखो ये खींचेगा कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम की वैल्यू 80, जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 800 न्यूटन खींचेगा, करेक्ट है। अब ध्यान देना ये एंगल है 30 डिग्री, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों अप्लाई करेंगे इसमें। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पहले अप्लाई करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, एफ नेट की वैल्यू 0 होती है, एफ नेट इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये दोनों 0 होंगे। अब ये बताओ एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, पहले फोर्सेस को काउंट कर लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन एन ए होगा, ये एन बी होगा, करेक्ट है, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, एफ आर इधर लगेगा, एफ आर का डायरेक्शन इधर होगा ना, मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, एफ आर का डायरेक्शन ये होगा, एफ आर का डायरेक्शन, ठीक है, करेक्ट है, ये एफ आर हो गया और ये एन बी हो गया, करेक्ट है। तो ये एक्स डायरेक्शन के दोनों फोर्सेस होते हैं। अब वाई डायरेक्शन के को दूसरे कलर से शो कर देते हैं, वाई डायरेक्शन को एन, ये एन ए हो गया, ये वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का एक फोर्स ये हो गया कैपिटल एम जी और ये स्मॉल एम जी। तो अगर मैं अप्लाई करूं इस पे, ठीक है, ये अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 0, सिग्मा एफ एक्स में कौन कौन आ रहा है, राइट साइड वाला एफ आर माइनस एन बी इक्वल टू 0, इट मींस एफ आर इज इक्वल टू एन बी और एन बी इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है, एफ आर को क्या लिख सकते हैं, एफ आर को क्या लिख सकते हैं, एफ आर को लिखेंगे म्यू इंटू एन ए, करेक्ट है, और एफ वाई, ये सिग्मा एफ वाई क्या होगा, एन ए माइनस एन जी
माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू जीरो। नीचे लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव हमने कह दिया, इसको और इसको निगेटिव कह दिया, और ऊपर लगने वाला फोर्स जो है एन ए उसको पॉजिटिव कह दिया। तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, एम की वैल्यू 40 प्लस 80 इंटू जी कितना आ गया 1200 न्यूटन। एन ए की वैल्यू, ये एन ए की वैल्यू जो है उठा के रख दो यहां पर इस इक्वेशन में, तो एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू 1200, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये √3/3 इंटू 1200, ये कितना आएगा √3/400। एन बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, देखो देखो एन बी इक्वल टू √3/400 करेक्ट। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो टाउ नेट की वैल्यू जीरो होती है उसमें, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या मान लें, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या मान लिया जाए, फिगर में देखो ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है ए, पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने ए कंसिडर कर लिया। अब नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हमने कहा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो ये दोनों फोर्सेस एन ए और एफ आर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन पे ही ये अप्लाई हो रहे हैं, तो नेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब ये दोनों फोर्सेस को निकालते हैं, जरा इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी, इस पॉइंट को डी कह लेते हैं, इसको ई, इसको एफ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूं, कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये लेंथ एल है, ये ए सी परपेंडिकुलर बेस, बेस ए एफ अपॉन ए एफ अपॉन ए डी होगा। ए एफ की वैल्यू कितनी होगी, ए एफ की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से, ए एफ इज इक्वल टू ए डी कितना होगा, स्मॉल एल कॉस थर्टी √3/2, ठीक है, ए एफ की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं फिर से कॉस 30 लेते हैं, लेकिन इस बार ए ई अपॉन ए सी करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह लिख देता हूं, ए ई इज इक्वल टू ए सी कॉस 30। ए सी कितना होगा, ए सी यहां से यहां तक कैपिटल एल बाई टू होगा, ये टोटल लेंथ है लेडर की L, तो ये L बाई टू कॉस 30 √3/2 होगा, ए ई सही लिखा मैंने, करेक्ट है। अच्छा बी डी कितना होगा, बी डी साइन 30 इज इक्वल टू, अगर मैं साइन 30 इसको लिखूं, साइन 30 अगर अप्लाई करूं बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में, तो परपेंडिकुलर बी डी अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल साइन 30 1/2, बी डी इज इक्वल टू एल बाई टू। अब मैं अप्लाई करता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, चलो अप्लाई करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो कैप स्मॉल एम जी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस एम इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से ए एफ होगी ना, नहीं ए ई होगी, इंटू ए ई माइनस एम जी भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा,
इसकी वैल्यू होगी AF और NB एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, NB एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी उसकी BD के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD के इक्वल होगी, BD इक्वल टू जीरो, MG की वैल्यू -400, AE की वैल्यू कितनी आई है चेक करो एक बार, AE की वैल्यू है L कैपिटल L कैपिटल L बाई कैपिटल L रूट 3/4 कैपिटल L, कैपिटल L रूट 3/4 -800। AF की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, AF की वैल्यू कहाँ गई, AF की वैल्यू स्मॉल L रूट 3/2 स्मॉल L, स्मॉल L रूट 3/2 प्लस NB की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने निकाल लिया ना, NB की वैल्यू निकाला है 400√3 400√3। BD की वैल्यू कितनी निकाला था कैपिटल L इंटू 1/2 L/2 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या 100 कलर चेंज कर, 100 आया -100√3 इंटू L, ये कितना होगा 400 -400 इंटू L रूट 3, ये कितना होगा 200 ना, प्लस 200 रूट 3 इंटू कैपिटल L इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल L को एक ही तरफ रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो गया 100√3 कैपिटल L इज इक्वल टू 400 L रूट 3, रूट 3 रूट 3 कट जाएगा, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, L से L नहीं, L तो नहीं कटेगा भाई, स्मॉल L कैपिटल L है ना, रूट 3 कट जाएगा, ये कैपिटल L इज इक्वल टू 4 स्मॉल L, तो L अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है 1/4 डिस्टेंस तक वो पूरी लैडर की 1/4 डिस्टेंस तक पहुंचेगा, ठीक है, पूरी लेंथ का 1/4 डिस्टेंस तक पहुंचेगा, 1/4 डिस्टेंस, सी ऑप्शन सही हुआ, यानी देखो जरा सही बोल रहा है, देखो ये 1/4 ही डिस्टेंस तो हो गया कैपिटल L बाई स्मॉल L बाई कैपिटल L 1/4, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा था इसमें, फिगर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा हौच पौच हो गया, चेक कर लेना एक बार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।